हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कारफैक्स एंड आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा हम सब जानते हैं कि हुंडई ने फाइनली एक्सेल लॉन्च कर दी है एंड एक दो महीने के अंदर इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में मेरा क्या टेक है इस कार के ऊपर एंड मेरे को क्या लगता है कि ये कार कितनी कैपेबल है पंच के कंपटीशन में, बिकॉज पंच से कंपेयर हम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में अगर आप कंपेयर करो, जो पंच जैसा परफॉर्म कर रही हैं बाकी कंपनीज की, बाकी ब्रांड्स की कार उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। तो इसीलिए हम इसका कंपैरिजन पंच के साथ कर रहे हैं इस कार का। अब मेरा क्या टेक है इस कार के लिए, देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर मैं ज़्यादा बातों को घुमाता नहीं हूँ, फिराता नहीं हूँ, जो बात है टू द पॉइंट आपको मैं वही बता रहा हूँ। अगर बात करते हो इंजन परफॉर्मेंस की, तो नो डाउट आपको होंडा एक्स्ट्रा में एक अच्छा पंच से बेहतर ऑप्शन मिलेगा। बट अगर आप कंपेयर करो बाकी चीज़ों को, देखो फीचर्स वाइज पूरी फीचर लोडेड कार आने वाली है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स आने वाले हैं जो आपको इस सेगमेंट की और कार्स में नहीं मिलेंगे। तो हुंडई ने बिल्कुल फीचर्स से भर दिया है कार को, बहुत सारे फीचर्स आपको उस कार में ऑफर किए जा रहे हैं बाकी, जो आपको बाकी ब्रांड्स की और कार्स में नहीं मिलेंगे, ना ही पंच में ना किसी और ब्रांड में। बट फिर भी मेरा टेक यही है, मेरे को ऐसा लगता है कि हुंडई एक्स्टर पंच को आई डोंट थिंक सो बीट कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ सेल, बिकॉज आजकल लोगों का यार माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट हो गया है। अगर आप देखा जाओ हुंडई एक्स्टर में सारे कंपनी ने फीचर्स दे दिए हैं, फीचर लोडेड कार बना दी है, बट एक पॉइंट है जिसमें मुझे लग रहा है अभी वो लैक कर रही है, वो है इसका प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन हुई है ये कार आपको हुंडई i10 और ऑरा के प्लेटफॉर्म पे बनी आ रही है, जिसमें ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि i10 ने कितना स्कोर किया था इनका रेटिंग में, 2 स्टार वो कार आई थी। आई एग्री इसमें काफ़ी सारे फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स ऐड किए गए हैं एक्स्टर में हुंडई में, हुंडई ने, तो हो सकता है ये कार 3 स्टार स्कोर कर ले, बट इसके कंपैरिजन में ऐसी कार आ रही है टाटा पंच जो 5 स्टार रेटिंग और जो बेसिकली जानी ही अपनी सेफ्टी के लिए जाती है। एंड धीरे धीरे लोगों का, कस्टमर्स का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है यार, लोग अब ज़्यादातर सेफ्टी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो अगर, और ये दिखता है टाटा पंच की सेल्स में, अगर आप इसकी सेल रिपोर्ट्स देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये कार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती आ रही है जब से ये लॉन्च हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस कार की सेल को ड्रॉप नहीं होने देते, और यही फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हमको बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि एक्स्टर इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन दे पाएगी टाटा पंच को, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक्स्टर थोड़ा पीछे ही रहेगी अगर कंपेयर किया जाए टाटा पंच से। बात की जाए डिज़ाइन वाइज की एक्स्ट्रा के, तो सही बताऊँ तो फ्रंट से डिज़ाइन कार का बहुत अच्छा है, बट वहीं अगर बात कंपेयर करूँ मैं दोनों कार के रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पीछे रह जाती है, और रियर प्रोफाइल एक्स्ट्रा का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट डिज़ाइन एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ लोगों को ये डिज़ाइन पसंद भी आ सकता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेजॉरिटी ऑफ लोग इस डिज़ाइन से रिलेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली हुआ था मारुति के एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट इग्निस के साथ, इग्निस का भी फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखोगे बहुत अच्छा था, बट वो पीछे मार खाती थी अपने रियर प्रोफाइल से। सेम गोस टू एक्स्ट्रा के साथ भी यही सीन है, फ्रंट प्रोफाइल कार का बहुत अच्छा है, फीचर्स लोडेड कार है, बट बैक प्रोफाइल में आप देखोगे तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे उस डिज़ाइन के साथ। तो ये कुछ पॉइंट है, उसके अलावा फीचर्स में कोई कमी नहीं है। फीचर्स, अगर आपको एक फीचर वाली कार चाहिए तो आप ऑब्वियसली जा सकते हो, बट अगर चीज़ें देखो यार फीचर्स पे ही चलती ना, तो आई थिंक MG की सेल काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज MG की गाड़ियों में जो फीचर्स दिए जाते हैं बाकी कार्स में कहीं ना कहीं नहीं मिल पाते हैं। तो अगर सिर्फ फीचर्स पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती तो हो सकता है कि MG अभी तक नंबर 1 पोजीशन पे बैठी होगी। तो सिर्फ फीचर्स के बेसिस पे कार सेल करना आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है आज के टाइम पे, करंट टाइम पे। मारुति कर रही है, मारुति फीचर्स में देखा जाए तो मारुति भी ऐसे कुछ फीचर्स नहीं दे रही, बट मारुति के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है जो है वो है इसका माइलेज, तो उस माइलेज के बेसिस पे मारुति अच्छा परफॉर्म करती आ रही है इंडियन मार्केट में, एंड आने वाले टाइम पे भी मुझे लगता है कि मारुति को अपनी प्लेस से हटा पाना बहुत ही मुश्किल है बाकी ब्रांड्स के लिए। तो मारुति को अगर छोड़ा जाए तो बाकी अगर आप देखा जाए और ब्रांड्स में अगर आप देखोगे तो सिर्फ फीचर्स एक पॉइंट नहीं रह गया है किसी भी कार की सेल्स के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स अब लोग कंसिडर करने लगे हैं गाड़ीज लेते समय, उनमें से सेफ्टी भी एक मेजर पॉइंट है जिसको लोग देख रहे हैं आजकल। तो मेरे को लग रहा है इस पॉइंट पे कि एक्स्टर वहाँ पे लैग कर रहा है,
और मुझे नहीं लगता कि सीधे सीधे कंपटीशन, देखो यार मैं सीधे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, मुझे नहीं लग रहा कि एक्स्ट्रा कंपटीशन दे पाएगा टाटा पंच को। और टाटा पंच आने वाले टाइम में, अभी देखो टाटा पंच, टाटा ने क्या किया है, टाटा ने देखो एक्स्ट्रा आपको एक फ्यूल ऑप्शन के साथ आ रही है पेट्रोल, बाकियों का अभी तक कुछ नहीं बताया, बट टाटा ने पंच को तीनों ऑप्शन के साथ लॉन्च करने का प्लान कर लिया। पेट्रोल में टाटा ऑलरेडी आ रही है, इलेक्ट्रिक में टाटा लॉन्च होने वाली है, उसके साथ साथ सीएनजी ऑप्शन भी आपको टाटा पंच में मिलने वाला है। तो टाटा ने पूरा प्लान कर लिया है, बिकॉज यार कहीं ना कहीं आप देखोगे तो नेक्सॉन और पंच ये दोनों टाटा के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, और टाटा कभी नहीं चाहेगा कि वो ये दोनों लैग करें, ये दोनों प्रोडक्ट लैग करें उनके किसी भी और ब्रांड के प्रोडक्ट से। तो टाटा ने जो खेला है गेम यार, मुझको तो लगता है कि टाटा ने काफ़ी अच्छा किया है इसको इलेक्ट्रिक और सीएनजी ऑप्शन के साथ लाके, बिकॉज जिन लोगों को माइलेज को लेके कंसर्न होता था वो इसका सीएनजी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। और जो यार एक कहते हैं ना इंडियन दिमाग जो लगाया गया है इसके सीएनजी ऑप्शन के डिज़ाइन में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कहते हैं इंडियन माइंड काफ़ी बढ़िया है कंपेयर टू बाकी सबसे। तो जो माइंड लगा है जिस तरफ से टू सिलेंडर ऑप्शंस आपको दिया गया है, टेक्नोलॉजी नहीं बोलूंगा, ये सब जुगाड़ है, ये सब माइंड का गेम है भाई। दो ऑप्शन दे दिया आपको सिलेंडर, एक बड़े सिलेंडर की जगह दो छोटे सिलेंडर का ऑप्शन दे दिया। जिस तरह से लोगों को परेशानी होती थी सीएनजी कार के साथ ट्रैवल करने में, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। और अगर जिन लोगों को कंसर्न था पंच से माइलेज का, भैया लो आपके लिए सीएनजी आ गई है, अगर आपको माइलेज से ही कंसर्न है तो आप सीएनजी ऑप्ट कर लो, साथ में आपको बूट का स्पेस भी उस कार में मिल ही रहा है। तो जिन लोगों को माइलेज से कंसर्न था वो लोग इजिली इसके सीएनजी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से, तो मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में एक्स्ट्रा अभी मुझे नहीं लगता रेस में है पंच के कंपैरिजन में। तो यार सिंपल सा टेक था, सीधी सी बात थी, घुमाता फिराता मैं हूँ नहीं, तो जो पॉइंट था वो मैंने आपको सीधे बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल, बिकॉज इस चैनल में जो बात की जाती है, जो वीडियोज़ लाई जाती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट होती हैं। ज़्यादा हम ना कोई कार की प्रमोशन के लिए यहाँ बैठे हैं, और ना ही हम किसी कार की प्रमोशन कर रहे हैं, जो है रियल है। अगर मुझे इस कार में पंच में कोई बुराई लगती है, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा ये जो मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ, जो भी मैं आपसे रिव्यूज़ बताता हूँ कार के, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ। इससे पहले मैं मल्टीपल ब्रांड्स ओन कर चुका हूँ, टाटा मारुति शेवरले होंडाई टोयोटा, मल्टीपल ब्रांड्स मैंने ओन किए हैं, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 20 साल से चला रहा हूँ कार, तो वो ही मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। मल्टीपल टैलेंट पे मैं इसको चला चुका हूँ, अलग अलग ड्राइविंग कंडीशंस पे मैंने इसको चलाया, तो उसी एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, और आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।